to tell once again to you what is etymology. Etymology is second part of grammar. Etymology, second part of grammar, deals with formation of words, origin of words, meaning of words and history of words. इसमें शब्द व्युत्पत्ति विज्ञान कहते हैं, ग्रामर का दूसरा भाग है। पुनः मैं दोहरा देना चाहता हूँ, ग्रामर कितने भाग होते हैं। पहला होता है ऑर्थोग्राफी, दूसरा जो होता है एटिमोलॉजी, तीसरा होता है सिंटेक्स, चौथा प्रोसोडी और पांचवा पंक्चुएशन। इसी में हम लोग एटिमोलॉजी पढ़ रहे हैं। अगर सबसे आसान तरीके से आपको अगर वर्ड मीनिंग्स लर्न करना है, सीखना है, तो आपको पढ़ना होगा एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी में हम किसी भी शब्द के उसके मीनिंग्स को जानते हैं, उसके फॉर्मेशन कैसे हुआ है, वह किस रूट वर्ड से आया है, और उसी को डिस्कस करते हुए बहुत ही आसान तरीके से हम सीखते हैं। आप बने रहेंगे और आपको अगर इंग्लिश वाकई सीखना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू लर्न रियली इंग्लिश, यू हैव टू नो वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। विदाउट वर्ड्स यू शुड नो दैट वर्ड पावर इज वर्टिब्रा ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। विदाउट वर्ड पावर यू कैन स्पीक करेक्टली, यू कैनट राइट करेक्टली, यू कैनट रीड करेक्टली। सो दैट यू शुड लर्न वर्ड पावर विद द हेल्प ऑफ एटिमोलॉजी विद संतोष कश्यप। हियर वी शैल डिस्कस ग्रीक रूट वर्ड। हम लोग ग्रीक रूट वर्ड्स आज सीखेंगे, जिसमें कि ग्रीक रूट डर्मा है। डर्मा मीन्स होता है स्किन, त्वचा, त्वचा, त्वचा होता है स्किन। स्किन से अगर डर्माज आप जान गए तो कई नए शब्द सीखेंगे, जो त्वचा से मतलब होगा, चमड़ी से मतलब होगा, जो ऊपरी त्वचा है उसको एपिडर्मिस कहते हैं। कहीं ना कहीं डर्मा शब्द आता है तो वह त्वचा से ही मतलब रहता है। तो कुछ हम एक एक शब्दों को डिस्कशन करेंगे और आप सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज रूट वर्ड्स। तो आइए देखते हैं कौन से शब्द हैं। पहला शब्द है डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मा, डर्मा मीन्स स्किन। लॉजी, लॉजी मीन्स होता है साइंस। आईएसटी आता है, कॉमन नाउन आता है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं, वन हु इज एक्सपर्ट इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीजेस। जो स्किन डिजीजेज है, त्वचा रोग के लिए जो डॉक्टर होते हैं, उसके लिए आता है डर्मेटोलॉजिस्ट। इट मीन्स द डॉक्टर फॉर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ स्किन, स्किन डिजीजेज, स्किन डिजीजेज। सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि ऐसा डॉक्टर जो कि त्वचा रोग विशेषज्ञ हो, उसके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट आता है। और उस विज्ञान को क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजी कहते हैं। मैंने केवल संक्षिप्त शब्दों को लिखा है। मेनी वर्ड्स यू कैन फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ ग्रीक रूट वर्ड डर्मा। डर्मा पर आप बहुत ढेर सारे शब्द सीखेंगे। आप किसी भी स्ट्रीम के विद्यार्थी हों, आप चाहे साइंस के स्ट्रीम के विद्यार्थी हों या आर्ट्स के हों, बट आप इंग्लिश आपको वाकई चाहिए तो आपको मेरे साथ जुड़े रहना होगा और सीखना होगा एटिमोलॉजी। ओनली वन पर्सन हु इज टीचिंग इन दिस टाइम एटिमोलॉजी, कहीं आपको नहीं मिलेगा, ये तय है। आप देख लीजिए कि मेरे पढ़ाने का स्टाइल किस तरह से है, आपको वर्ड पावर सिखाने का स्टाइल किस तरह से है, और आप अपने इंग्लिश को स्ट्रेंथन करे जाते हैं, आप अपने एग्जाम क्रैक्स करते हैं। तो दूसरा वर्ड हम देखेंगे पैचीडर्म। पैची, पैची मीन्स होता है मोटा, पैच, पैच लगाते हैं ना, पे वन जिसको कहते हैं, पैचीडर्म। पैचीडर्म एनिमल ऑफ, एनिमल्स ऑफ थिक स्किन, जो मोटी त्वचा वाले जो जंतु होते हैं ना, उसको पैचीडर्म कहते हैं। मोटी त्वचा वाले जंतु, एग्जाम्पल एलिफेंट, राइनोसेरस एंड हिप्पोपोटामस एंड मेनी मोर एनिमल्स यू कैन फाइंड हुज स्किन इज वेरी थिक, जिसके कि बहुत ज्यादा मोटी त्वचा होती है, उसके लिए जो शब्द आता है पैचीडर्म आता है। ओके, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, व्हाट इज एपिडर्मिस? एपी मीन्स एबव, ऊपर, ऊपरी त्वचा को, जो ये त्वचा दिख रही है, इसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, यानी कि स्किन, त्वचा, चमड़ी, जो चमड़ी है उसको एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस कहा गया ना कि विच इज द बिगेस्ट
बॉडी पार्ट्स एपिडर्मिस है, जो कि पूरे शरीर पर त्वचा रूपी वो अपना लेयर बनाया हुआ है। एपिडर्मिस आपके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, आपके लिए विटामिन डी का फॉर्मेशन करता है यह एपिडर्मिस विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। सूर्य के प्रकाश में यह आपको विटामिन डी देता है। एपिडर्मिस कहलाता है, त्वचा कहलाता है, स्किन ऊपरी त्वचा कहते हैं। हाइपोडर्मिक, देखिए हाइपो मीन्स अंडर, नीचे, जब इंजेक्शन दिया जाता है तो हाइपोडर्मिक यानी कि अंडर स्किन, अंडर एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस है ना उसके नीचे अगर का भाग है उसे हम हाइपोडर्मिक कहते हैं, रिलेटेड टू द स्किन बिलो, जो स्किन त्वचा के नीचे का जो चीज़ है जैसे चमड़ी है या और नसें हैं, तो इंजेक्शन जब किया जाता है तो हाइपोडर्मिक यानी कि अंडर एपिडर्मिस, अंडर द स्किन। ओके, अब आता है डर्मेटाइटिस। ये TITS तो इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन होता है, उसके फूल जाना, सूज जाना के अर्थ में आता है। तो डर्मेटाइटिस इट मींस इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन, यानी कि एपिडर्मिस में सूजन आ जाए तो उसके लिए डर्मेटाइटिस होता है। एक बीमारी है, एक त्वचा रोग है जिसमें कि त्वचा पूरा सूजन हो जाता है और वह जो है बहुत ही एक खराब रोग है, बहुत ही बैड डिजीज है। तो डर्मेटाइटिस मैंने इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन, सूजी हुई त्वचा। ओके, सम मोर वर्ड्स वी शैल डिस्कस हियर। ल्यूकोडर्मा, डर्मा मीन्स स्किन, ल्यूकोज मीन्स वाइट, जैसे आता है ल्यूको, ल्यूकोरिया मीन्स वाइट सेक्रेशन ऑफ समथिंग, तो ल्यूको मीन्स वाइट होता है, ल्यूकोडर्मा। ल्यूकोडर्मा अगर कहेंगे तो वाइट स्किन, ल्यूकोडर्मा मीन्स वाइट स्किन। वाइट स्किन क्या होता है, अगर सिंपल जो जनरल स्किन है उससे कुछ अलग कलर का वाइट बन जाए तो उसे हम एक बहुत ही खराब, बहुत ही बैड और एक हार्टफुल डिजीज के रूप में मानते हैं, उसे हम कहते हैं चरक, चरक, जिसको सफ़ेद दाग भी कहते हैं, सफ़ेद दाग, उसके लिए ल्यूकोडर्मा आता है, क्योंकि ल्यूकोडर्मा मीन्स स्किन और ल्यूकोज मीन्स वाइट। तो यह सीधे सीधे समझ लेना, हम कहीं ना कहीं से एक ये शब्द जुड़ करके बने हुए हैं और आप डिक्शनरी में खोजते हैं तो ये मिलेगा, क्योंकि आपको अलग से कुछ नहीं करना, आप केवल रूट वर्ड जान के आप इसके मीनिंग्स को अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो जब तक ये नहीं मालूम है आप, तो सिंटेक्स में आपको समझ में कि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब पोजीशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन में ये है कौन सा, तो आप जान जाएंगे कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा क्या है। व्हेन यू नो द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स मीन्स व्हेन यू नो द एटिमोलॉजी, एटिमोलॉजी कोई टीचर इंग्लिश का इस समय नहीं होगा जो आपको पढ़ाएगा एटिमोलॉजी, ओनली मैं पढ़ा रहा हूँ, ये तय है। आप किसी भी इंग्लिश टीचर से आप बात करें एटिमोलॉजी तो सिंटेक्स सब लोग पढ़ाते हैं, बट ओनली संतोष कश्यप टीचेज यू एटिमोलॉजी, इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, मीनिंग ऑफ वर्ड्स, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। मेलोडर्मा देखते हैं, इसके ठीक एंटोनिम्स, यदि आपको ल्यूकोडर्मा का अगर एंटोनिम्स जानना हो तो आपको जानना होगा मेलोडर्मा। मेलोडर्मा जो होता है ब्लैक स्किन, ब्लैक स्किन यानी कि काली त्वचा जो होता है। मेलानिन एक, मेलानिन एक केमिकल कह सकते हैं या त्वचा को परिवर्तित करने वाला एक पदार्थ है जो कि ब्लैक कर देता है यानी काला कर देता है। तो ल्यूकोडर्मा का एंटोनिम्स मेलोडर्मा यानी ब्लैक स्किन। इस तरह से कई आप जो है डर्मा पर आप वर्ड सीखते रहेंगे और जुड़े रहे संतोष के साथ। सबसे बड़ी बात है कि आपको ये नहीं कहा जाए कि आप सब्सक्राइब कीजिए कि बेल आइकन दबाइए, क्या कीजिए, ये आपका काम है। यदि आपको अच्छा लगेगा तो करेंगे, नहीं तो जो है कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीखते रहिए संतोष कश्यप साथ और इन्जॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।